श्रीराम समर्थ जून 12। परमार्थ ही अपने जन्म का सच्चा हेतु है। द्वैत में दुख है तो एक में सुख और आनंद है। हम एक में रहेंगे तो आनंद प्राप्त होगा। जगत का आभास विशाल है, फिर भी वह एक ही है। गृहस्थी की 10 दिशाएं हैं, लेकिन परमार्थ की दिशा मात्र एक ही है। हम उसकी ओर ध्यान दे, कुछ न करना अर्थात मन से कुछ न करना, यही सच्चा परमार्थ है। परमार्थ में उपाधि बिल्कुल नहीं होती। नहीं होती यानी इतनी नहीं होती कि वहां मैं भी नहीं होता। गृहस्थी द्वैत है, अतः उसका आडंबर बड़ा होगा ही। हमें जब तक अपने जीने का हेतु ज्ञात नहीं होता, तब तक गृहस्थी करना ही हम अपना ध्येय समझते हैं। वस्तुतः मनुष्य प्राणी देह और मन दोनों को मिलकर बना है, अतः उसे चाहिए कि वह ऐहिक और पारलौकिक दोनों पक्ष साधे। परमार्थ साधना ही हमारे जन्म का मुख्य हेतु है। व्यवहार में द्वैत के सिवाय आनंद नहीं है, इसलिए परमार्थ में मानस पूजा करते समय पहले पहले मैं और परमात्मा ऐसे द्वैत से शुरुआत करनी होती है। जब तक परमार्थ हमारी रग रग में भिद नहीं जाता, तब तक हमें पारमार्थिक ग्रंथ पढ़ने चाहिए। उससे साधना में जोश आता है। मन को भगवान के प्रति लगाने के लिए क्या किया जाए, यह हमें पहले सोचना चाहिए। एक पिता अपने बेटे को तैरना सिखाता था। वह पहले लड़के को पानी में टखने तक ले गया, फिर घुटने तक पानी में ले गया, बाद में थोड़ा और आगे ले गया। फिर एक दिन तो उसने बेटे को गहरे पानी में खींच लिया। इसी तरह हमारे गुरु हमें शनै शनै परमार्थ सिखाते हैं। हमें पानी में उतरना मात्र चाहिए। हम देह से गृहस्थी करते हैं, लेकिन वह सफल नहीं होती। इसलिए संतों ने नामस्मरण का मार्ग दिखाया है, लेकिन हमारी होशियारी हमारा अभिमान नामस्मरण में बाधा बनते हैं। उसे क्या करे, यह अभिमान हम में कोई दूसरा उत्पन्न करता है, ऐसा थोड़े ही है। जो हमारी समझ में नहीं आता, ऐसा वासना का सूक्ष्म बीज हम में कहीं न कहीं छिपा होता है। उसके कारण हमारी संसार की अभिलाषा नहीं छूटती। इसलिए संतों ने एक उपाय सुझाया है, और वह उपाय यह है कि हम निरंतर नामस्मरण करते रहे और विषय की उर्मी निर्माण ही न होने दे। गृहस्थी में जो विघ्न आते हैं, वे हमें चेतावनी देने आते हैं, वे हमें जगाते हैं। हमने जन्म लिया है तो भगवान को जानने के लिए लिया है, यह हम भूले नहीं। इसलिए विघ्नों संकटों की योजना होती है। विघ्न इसलिए आते हैं कि हम भगवान के समीप जाते रहें, अतः उनसे न घबरा कर हम भगवान के नाम में ही अपने को भूल जाए, यही परमार्थ का सरल रास्ता है। आज का मुख्य विचार, जहां आलस्य छा जाता है वहां परमार्थ डूबता है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.